हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑर गेट की। तो देखिए, ऑर गेट क्या होता है। ऑर गेट परफॉर्म्स अ लॉजिकल एडिशन। ठीक है, ऑर गेट क्या करता है। ऑर गेट परफॉर्म्स अ लॉजिकल एडिशन ऑन इट्स इनपुट्स, देयरफॉर इट्स आउटपुट विल बी हाई इफ एनी वन और बोथ द इनपुट्स आर हाई। मतलब ऑर गेट क्या करता है, ऑर गेट लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, और इसमें अगर इसका आउटपुट हमको वन मिलता है, अगर दो में से कोई भी एक इनपुट हाई हो तो हमें इसका आउटपुट वन मिलेगा, और इट्स आउटपुट विल बी लो इफ एंड ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर साइमल्टेनियसली लो। अगर सारे इनपुट जीरो हैं तो हमको ये आउटपुट हमको जीरो मिलेगा, मतलब लो मिलेगा। लॉजिकल सिंबल की हम लोग बात करें तो ऑर गेट का देखिए लॉजिकल सिंबल होता है इस तरह। ठीक है, ये हो गया आउटपुट, और ये दोनों हो गए हमारे ए और बी इनपुट। ठीक है, उसके बाद अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें ऑर गेट की, तो ऑर गेट की जो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह आएगी कि ये तो हो गया हमारा इनपुट ए और बी, यहाँ पे हम दिखाएंगे इनपुट, और इधर हो जाएगा आउटपुट। तो आउटपुट हो गया वाई और इनपुट हो गया यहाँ पे ए और बी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि ऑर गेट क्या करता है, लॉजिकल एडिशन, मतलब वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए और बी ऐसे। तो जब आप 0 0 देंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 0, 0 1 देंगे तो 0 प्लस 1 1, 1 0 देंगे तो 1 प्लस 0 1, और 1 और 1 देंगे तो 1 प्लस 1 बूलियन अलजेब्रा में 1 होता है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल होता है ऑर गेट का। दिस इज ट्रुथ टेबल, दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ ऑर गेट, बूलियन एक्सप्रेशन, और ये हो गया इसका लॉजिक सिंबल, लॉजिक सिंबल। तो ये ऑर गेट की तीनों चीजें हमने आपको बता दी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अभी तो हमने टू इनपुट ऑर गेट की बात की थी, ऐसे ही मल्टीपल इनपुट ऑर गेट भी होते हैं। मल्टीपल इनपुट ऑर गेट मतलब जहां पे दो से ज्यादा इनपुट होते हैं। तो मल्टीपल इनपुट और गेट, ठीक है, जैसे इसका सिंबल क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने ये एक और गेट बनाया, ये वाई हो गया, और मल्टीपल इनपुट मतलब मान लीजिए इसके तीन इनपुट हो गए, ए बी और ए बी और सी इस तरह। या मान लीजिए आप चार बनाएंगे, तो सपोज कीजिए आपने ये बनाया और गेट, या आउटपुट हो गया, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमें चार इनपुट दिखाना है तो हम इसको इस तरह भी बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे और ऐसे। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा चारों इनपुट जो है हम इस तरह दिखा सकते हैं, ये ए बी सी डी, ये चार इनपुट होगा। इसका बूलियन एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ए और बी और सी, और इसका हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए और बी और सी और डी, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह मान लीजिए अगर हम इस तीन इनपुट वाले और गेट के लिए अगर हम ट्रुथ टेबल बनाना चाहेंगे तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी इसकी। तो जैसे ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि इनपुट हम दिखाएंगे क्या हमने इनपुट दिया और यहाँ पे हमें क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए तीन गेट के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ तीन इनपुट हमने दिखा दिए ए बी और सी, और ये आउटपुट आ गया हमारा ए बी सी। अब 0 प्लस 0 प्लस 0 देंगे क्या आएगा, 0। फिर 0 0 1 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 1। फिर 0 1 0 फिर 1, फिर 0 1 1 फिर 1 आ जाएगा। मतलब इन तीनों को ऐड आप कर दीजिए, फिर 1 0 0 1, 1 0 1 1, 1 1 0 फिर 1, और 1 1 1 ये क्या आएगा, ये भी आ जाएगा आपका 1। तो यानी आर गेट में जो हमने आपको बताया था कि मेन चीज़ ये ध्यान देखने की है कि अगर एक भी इनपुट 1 होगा, कोई भी एक इनपुट, दो है तीन है तो अच्छी बात है, अगर मिनिमम एक इनपुट भी 1 होगा तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, और जब सारे इनपुट 0 होंगे तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। तो ये चीज़ जो है और गेट पे ध्यान देने वाली है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके टाइमिंग डायग्राम पे, कि टाइमिंग डायग्राम या इसी को पल्स्ड ऑपरेशन बोलते हैं। टाइमिंग
डायग्राम, या इसी को क्या बोलते हैं पल्स्ड ऑपरेशन, मतलब हम इनपुट को पल्सेस से शो करते हैं, ठीक है, पल्स ऑपरेशन। तो और गेट के लिए अगर आप पल्स टाइमिंग डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे, तो सपोज कीजिए कि हमने कहा कि मान लीजिए ये एक इनपुट हमें दिखाना है यहाँ पे, दूसरा इनपुट यहाँ पे, और आउटपुट हमको दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, और जो टाइम इंटरवल है वो हम यहाँ शो कर देंगे, ठीक है, इस यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट बी, इनपुट बी, और यहाँ हम दिखाएंगे इनपुट ए, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने कि मान लीजिए हम इसको इनपुट देते हैं, ठीक है, पहले हमने क्या किया इसका से टाइम टाइम डिवीजन इसको हमने बना लिया, तो से ये पहला टाइम इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह, ठीक। ये टाइम इंटरवल हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक। अब मान लीजिए जो हम इनपुट दे रहे हैं, हमने कहा कि टाइम इंटरवल में ये 0 है, फिर 1 हो गया, फिर 0, फिर 0, फिर 1 हो गया, और फिर 0, तो ये हो गया 0, 1, 0, 0, 1, ये हमने इनपुट दिया ए। और बी इनपुट क्या है हमारा, तो बी इनपुट है हमारा 0, 0, ठीक है, उसके बाद 1, फिर 0, ये, ठीक। तो इनपुट बी हो गया 0, 0, 1, 0, 1। अब आउटपुट जब आप निकालेंगे इसका, तो आउटपुट कैसे आएगा, से मान लीजिए हम इसकी ट्रुथ टेबल से बताते हैं आपको। मान लीजिए हमने ट्रुथ टेबल में बनाया कि यहाँ तो हमने लिखा टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, यहाँ हमने लिखा इनपुट, और यहाँ हमने लिखा आउटपुट वाई, ये हो गया इनपुट ए और बी, ठीक है। अब टाइम इंटरवल मान लीजिए हमने कहा कि से 1, 2, 3, 4, 5, टाइम इंटरवल में देखिए इनपुट क्या है 0 ए, और बी क्या है 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा 0 प्लस 0, 0। फिर 2 में आइए तो ए 1 हो गया, 1, 0, तो अब क्या मिलेगा 1। फिर थर्ड में आइए 0 और 1, तो क्या मिलेगा 1। फिर 0 और 0, तो 0 प्लस 0, 0, और फिर 1 और 1, तो 1 प्लस 1 क्या मिलेगा आपको आउटपुट, ये, तो ये आउटपुट आपका आ रहा है। इसको जब आप ड्रॉ करेंगे, देखिए 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0 और फिर 1, यानी 0, 1, 1, 0, 1। तो ये इस तरह से इसकी आउटपुट वेवफॉर्म आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी को आप कह सकते हैं टाइमिंग डायग्राम ऑफ, टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑर गेट, ठीक है। और ये एक तरह से ट्रुथ टेबल हो गई, या आप इसको ले सकते हैं समरी ऑफ द पल्स्ड ऑपरेशन, ठीक। अब इसके हम स्टैंडर्ड पैकेजिंग की बात करें कि किस स्टैंडर्ड पैकेजिंग में और गेट आईसी आती है हमारी, तो इसका नंबर, या तो नंबर होता है 7432। तो जो और गेट की अगर हम स्टैंडर्ड पैकेजिंग की बात करें, स्टैंडर्ड पैकेज, तो पहली चीज़ तो यह है कि ये भी मोनोलिथिक मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में आता है,
ठीक है। दूसरा क्या है, 14 पिन होता है। तीसरा क्या है, स्पेशल फीचर, इसका आईसी का नंबर होता है IC7432। ठीक है, अब इसका अगर हम पिन डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो मान लीजिए हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये ठीक है। अब यहाँ पे आईसी नंबर डाल दीजिए 7432। अब आपको क्या करना है, आपको 14 पिन बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए, और इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 7 पिन ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप चाहें तो इसमें अगर पिन नंबर देना चाहें तो इसमें जो पिन नंबरिंग होती है वो होती है आपकी इधर से 1 2 3 4 5 6 7, और फिर आपका आ गया इधर से 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें पिन नंबर 14 जो है वो पावर सप्लाई के लिए यूज होता है प्लस VCC, और पिन नंबर 7 यूज होता है ग्राउंड पर्पस से। तो ये आपने लिख दिया ग्राउंड। ठीक, अब इसमें देखिए 14 पिन में इसके अंदर कितने गेट होते हैं, इसके अंदर 4 AND गेट होते हैं, सॉरी और गेट होते हैं, देर आर 4 इंडिपेंडेंट और गेट। इस आईसी के अंदर 4 इंडिपेंडेंट और गेट होते हैं। अब वो चारों गेट किस किस पिन पे लगे होते हैं ये आप देखिए। तो एक तो हो गया आपका यहाँ पे, इसका आउटपुट जाएगा पिन नंबर 11 पे, और इनपुट आ जाएगा पिन नंबर 12 और पिन नंबर 13 से। फिर ऐसे ही दूसरा जो और गेट है वो होगा यहाँ पे, इसका आउटपुट जाएगा पिन नंबर 8 और इनपुट आएगा 9 और 10 से। और ये चारों गेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर यहाँ आ जाइए, आउटपुट आएगा पिन नंबर 6 पे और इनपुट आएगा पिन नंबर 5 पे। और एक और गेट यहाँ लगा होता है, इसका आउटपुट मिलेगा हमें पिन नंबर 3 पे और इनपुट आएगा पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 से। तो ये स्टैंडर्ड पैकेजिंग हो गई IC7432 की, और जो कि और गेट की IC। तो इसको आप लिख सकते हैं पिन कॉन्फ़िगरेशन, पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IC7432। क्लियर? तो आई होप कि आपको और गेट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।